हाय गाइस, मैं हूँ सीमा अली और आज मैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, इस टाइप के रियल ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हम अपनी लाइफ की खास बातों को आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक भी किया करें। तो मैं यहाँ 7 दिसंबर 2023 में आई थी और मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1.5 साल का टाइम हो गया है। ये मेरा अपना घर नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ। ये मेरे जेठ जी का घर है जो कि खाली पड़ा था, तो ये 1000 स्क्वायर फीट का घर है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मुझे पता था यहाँ से मुझे खाली करना होगा। तो यहाँ से मुझे कोई ख़ास लगाव भी नहीं था। पहले मैं कहाँ रहती थी और क्यों शिफ्ट हुई थी इस घर में, तो आप जो है उसके लिए मेरा पुराना वीडियो मेरा पुश्तैनी घर देख सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल दी गई हुई है। तो गाइस, अब ये घर खाली करना है तो इसके सामान की पैकिंग मैंने शुरू कर दी है, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस, सब सामान बस ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और इस वाली अलमारी का सामान भी अब पैकिंग करना है। तो गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आता किस तरीके से सामान की पैकिंग करूं, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सामान हो जाता है। और गाइस, यहाँ पर हमारी कुरान और बाइबल भी रखी हुई है जो कि बहुत सेफ्टी से ले जाना है। ये भी बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ का भेद भी ना हो। तो गाइस, देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी वैन आई है सामान ले जाने के लिए। तो सारा सामान वैन में चढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस, आज का दिन 5 अगस्त है, 5 अगस्त सन 2024। तो मैं ये कब वीडियो अपलोड कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। मैं अब सभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सामान चढ़ाने के लिए ये लेबर बुलाने पड़े थे, तो यही लोग अपना सामान इस तरीके से रखवा रहे हैं, बेड वगैरह। तो सामान का टूटने फूटने का बहुत ही रिस्क रहता है ले जाने में। तो मेरा न्यू घर बन के रेडी हो गया है, तो ये सामान वहीं पे शिफ्ट होगा। तो आगे के ब्लॉग से भी जुड़े रहिएगा जिससे आप जान सकें कि मेरा घर कहाँ बन रहा था और कैसा बना है। और ये यहाँ पर वैन वाले अंकल हैं जो कि बता रहे हैं किस तरीके से सामान को रखना है कायदे से, कि टूट फूट भी ना हो सामान की। तो गाइस, वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सामान को इधर से उधर ले जाने में, क्योंकि क्या होता है ना कुछ सामान की टूट फूट ज़रूर हो जाती है, तो इसीलिए बड़ा डर सा लगा रहता है। तो बेड इसमें रखा जा चुका है किसी ना किसी तरीके से। तो गाइस, जब तक के सामान इसमें चढ़ रहा है तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे साथ ही जाना होगा, क्योंकि कहाँ पर क्या सामान शिफ्ट करना है तो मुझे ही पता है।
तो मैं जा करके फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं बाल भी नहीं बांधूँगी, बस ऊपर से ऐसे ही बस डाटा डाल लेना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।